नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुनाने वाला हूं कहानी। और आज का हमारा टॉपिक है क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमित भाई राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। गांव की तो सोच ही अलग होती है। यही केस था अमित भाई का भी। भाई की पढ़ाई भी गाँव के एक स्कूल से हुई, जहाँ वे जमीन पर बैठ कर पढ़ाई किया करते थे। लेकिन भाई क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई पढ़ाई में टॉपर थे। स्कूल के बच्चे भाई को साइंटिस्ट बुलाते थे। फिर भाई का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दी गई थी, जहां अमित भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन कुछ साल बाद भाई ने 10 टीएच में अच्छे परसेंट के साथ अपनी पहचान बना ली थी। उसके बाद भाई ने 12th क्लास के साथ ही आईटीआई में एडमिशन ले लिया बीटेक के लिए। अब भाई पढ़ाई अपनी जगह थी। लेकिन भाई ने उस टाइम यह सोचा कि वह बहुत समय तक तो खाली ही रहते हैं। भाई ने एक दिमाग लगाया कि उसके कॉलेज में फ्री वाईफाई इंटरनेट है, फ्री में काफी फास्ट नेटवर्क वाला। भाई ने इसे सही तरीका से यूज करने का सोचा। शायद भाई को यूट्यूब का आइडिया पहले से था, तो उन्होंने यूट्यूब में वीडियो बनाने का सोचा। भाई ने पापा से कहा वीडियो बनानी है, कैमरा लेना है। पापा ने कहा कितने की आती है? भाई ने कहा लगभग 3,500 में। लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया, रेट ज्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में यह परेशानियां अक्सर होती है। भाई की चाहत थी कि वह 16 से 19 साल तक अपनी पॉकेट मनी खुद कमानी है। तो अमित भाई ने मोबाइल से ईयरफोन के माइक को इस्तेमाल कर वीडियो बनाना शुरू किया, जो बिना फेस वाला था, जिस चैनल का नाम टॉप एंड मोस्ट था, जहां पर भाई टॉप 10 पसंद या टॉप 10 बैगर्स इस तरीके के टॉपिक में वीडियो बनाया करते थे। कम से कम वीडियो बनानी सीखी, लेकिन ज्यादा वेब वीडियो पर नहीं आती थी। तो भाई ने शॉर्टकट अपनाने की सोची और कॉपीराइटेड टाइप्स वीडियो को काट काट के अपने चैनल पर अपलोड करना शुरू किया, जिससे काफी ज्यादा वेब आने लगी। भाई खुश हो गए। तो अमित भाई जी कुछ कमाई इस वीडियो ने करी और कुछ खुद की वीडियोस में। भाई के चैनल पर इन वीडियो से काफी वेब आए थे। तो पहली कमाई भाई की होती है 1,30,000 की, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, जिस टाइम पर यूट्यूब पर उतना ज्यादा प्रोसेस ही नहीं था। लेकिन भाई शॉर्टकट तो सही नहीं था। भाई ने ऐसे करके लगभग 80 चैनल बना लिए बिना इधर उधर ध्यान दिए। लेकिन भाई इस चैनल से 4,00,000 रुपए कमा तो लेते हैं, लेकिन वह अकाउंट में नहीं आ पाता है। यूट्यूब से मेल आता है कि कॉपीराइटेड वीडियो के वजह से भाई का चैनल टर्मिनेट किया गया है। अब भाई होपलेस हो गए। लेकिन भाई की गलती थी शॉर्टकट की। अमित भाई ने डिसाइड कर लिया था कि यूट्यूब चलाना ही नहीं है, और 2-3 महीनों तक शांत रहे बिना कुछ किए। लेकिन भाई के मन में वो यूट्यूब वाली कीड़ा तो घुस ही चुका था, क्योंकि भाई ने यूट्यूब को अच्छे से समझ ली थी। मैं अमित भाई ने सोचा अब कुछ अलग करने का और खुद की वीडियो बनाने का सोचा। और भाई के पास थोड़ा पैसा तो पहले से ही था, जिससे अमित भाई कैमरा और माइक लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बात आई खुद की वीडियो पहली बार बनाने की। इसमें बहुत परेशानियां थी। अमित भाई ने वीडियो से अपनी वॉइस हटाने की सोची, लेकिन भाई थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा, अमित भाई ने यह तो सोच रखा था कि हार नहीं मानना है और खुद की ही वीडियो बनानी है। इसमें जैसा भी हो वीडियो तो बनाना ही है। अब पहली वीडियो में तो बस 40 व्यू ही आते हैं। भाई ने इस वीडियो को शेयर करके जैसे तैसे 300 से 400 व्यू पूरा किया, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहे थे। हर वीडियो का 6 महीने तक यही हाल रहा। अर्निंग तो 1-2 रुपए ऐसे थी। अब बहुत स्ट्रगल करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ वीडियो भाई की चलने लगी, लेकिन भाई की स्पोर्ट्स वाली वीडियो ही चलती थी। भाई का चैनल था प्रयोगशाला, उसका नाम अब भाई ने स्पोर्ट्स शाला कर दिया, जिसमें वे साइंस से रिलेटेड वीडियो डाला करते थे, वह अब स्पोर्ट्स वाला हो गया। भाई का यह चैनल तो थोड़ा बहुत चल रहा था, कम से कम 10,000 भाई कमाई कर रहे थे। लेकिन भाई को एक्सपेरिमेंट वाली साइंस वाली चीजें अच्छी लगती थी। अमित भाई ने अब सोचा नया चैनल बनाने का जो साइंस वाली हो, और तब जाकर शुरू हुआ क्रेजी एक्स वाई जेड की कहानी, जिसका उस टाइम पर नाम था प्लेड एक्स वाई जेड। उस टाइम की पहली वीडियो थी बॉल काटने की। लेकिन भाई ने थोड़ी और मेहनत करने की सोची, चैनल का नाम क्रेजी एक्स वाई जेड हो गया। भाई का यह चैनल चलने लगा। 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं 40 दिनों में, जो बहुत बड़ी बात थी। कुछ मेहनत के बाद भाई के चैनल में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। लेकिन बीच में बात आती है करियर की, भाई को करना क्या था। लेकिन भाई ने यूट्यूब की सोची और मेहनत करना ज्यादा कर दी। घर से भी थोड़ी प्रेशर थी, भाई ने फिर भी रिस्क लिया। भाई ने लोगों की सुना, सोसाइटी का सुना,
लेकिन अमित भाई इन मुश्किलों का सामना करते रहे और सभी को समझा कर भाई ने एक अच्छी टीम बनाई और थोड़ा बहुत यूट्यूब चलता रहा, टीम चलती रही, खर्चा चलता रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। अब बात आती है कोविड की, जो बहुत बड़ी परेशानी थी क्योंकि वीडियो तो आउटडोर वाली रहती थी। भाई ने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद सोचने पर यह दिमाग लगाया यही सही टाइम है कुछ बड़ा करने का। लोग घरों में है, अब भाई ने सोचा कि अब रोज वीडियो बनेगा, रोज काम चलेगा और वीडियो बनाते बनाते 1.5 साल निकाल लिए, जो गेम चेंजिंग वाली बात थी। भाई के चैनल में सब्सक्राइब और 3 मिलियन से 13 मिलियन हो जाते हैं और आज वो आप सभी जानते हैं जो 20 से 21 मिलियन हो चुके हैं और आज अमित भाई YouTube में बहुत बड़े क्रिएटर्स में गिने जाते हैं। तो ये तो दोस्तों क्रेजी जाइज के अमित भाई की छोटी सी स्ट्रगल वाली कहानी। कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही छोटी सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राम राम।